एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिसबा एंड ममाज ब्लॉग। तो गाइस, मैं जा रही हूँ ना मम्मी के घर पे, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर एक छोटा मोटा प्रैंक कर लूँ। प्रैंक मैं ऐसा कर लूँगी कि मैंने मेरी सास को मारा थप्पड़ और हमारे बीच में हुए बहुत ज़्यादा लड़ाई, तो देखेंगे कि मम्मा क्या मतलब साथ देते। अल्लाह तौबा, थप्पड़ तो नहीं ऐसे मारा, मतलब मम्मी को इन्वॉल्व कर लूँगी और मम्मा के ऊपर करूँगी प्रैंक, और मुझे देखना है कि मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या होता है। और हम लोग जा रहे हैं, अभी बस निकल रहे, तो मम्मा बाहर रुके हुए, फटाफट चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइज, मैं आ गई थी फाइनली अम्मी के घर पे और सब मतलब बात बात होने के बाद अम्मी को मैं बुला ली हूँ अंदर। अम्मी, अपने को मिलकर इन पर एक प्रैंक करना है। क्या करना है? प्रैंक ये करना है कि मैंने आपको मारी, मुझे देखने का इनका क्या रिएक्शन होगा। हाँ, क्या बोलते हो? अब हम क्या मालूम क्या कैसा क्या बोलते हैं। हाँ, आप बोल पाओगे ना, मारी एक्टिंग कर पाओगे ना। हाँ, और सोनम भी है, सोनम तुमको भी हेल्प करने का है। किस केस में? तुमको ना आग में घी डालने का काम करने का है। ये मारे। हाँ, आप ऐसा वैसा मैंने भी बोली तो भी मारे ऐसा। हाँ, अम्मी को मार दिए, देखो थोड़ा कंट्रोल में रखो, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ही बोलने का है जो तुम जिंदगी में नहीं बोले रहोगे। हाँ, प्योर ननन बन जाओ तुम। हाँ, अम्मी कर लोगे ना हेल्प? देखते हैं। अम्मी को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे को मारी, मैं कैसे बोलूंगी। हाँ अम्मी, अम्मी कर लेना एकदम एक्ट, एक बार करके दिखाओ कि मेरे को मारी, एक बार आस्ते से आहिस्ते से बोल कर बताओ। ए रिंकू, देखो ना मेरे को मिसबा मारी। हाँ, देखो ना। क्या मत, अरे तुम क्या बोल रहे हो? अम्मी ने मस्त मुंह बनाया था। अम्मी एकदम गुस्से में बोलना है। हाँ, ऐसा थोड़ा इमोशनल भी बोलने का, लेकिन स्टार्टिंग में गुस्से में। गुस्से में कैसे बोलेंगे अम्मी? ए रिंकू, आना जाए, आना जाए। हाँ, कैसा बोलेंगे अम्मी गुस्से में? रिंकू, ए रिंकू, देखो ना तो मैम मिसबा मेरे को मार रही है। अल्लाह के यार, ना जाए मम्मी, मम्मी थोड़ा आराम से, मम्मी थोड़ा आराम से। आराम से क्या बोलूं? अभी रुको, अभी स्टार्ट नहीं हुआ मम्मी। गाइस, अभी मैं पहले कैमरा छुपा देती हूँ, और मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं क्या पता मतलब उनका क्या रिएक्शन होगा और कैसा मतलब कहीं मुझ पर ही भारी ना पड़ जाए ये प्रैंक और हमारा आपस में झगड़ा ना हो जाए। तो गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं, कैमरा छुपाते हैं और सोनम और अम्मी मेरा साथ देंगे, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। अम्मी भी चिल्लाओ, तुम भी साथ में चिल्लाना। अम्मी यहाँ पर, सोनम साथ में ही चिल्लाना। स्टार्ट कर दो अम्मी को। रिंकू, देखो ना ये मिसबा मेरे को मार रही। मैं बुलाऊ क्या? हाँ हाँ, बुलाओ तो। बताओ कैसी आदमी कि मेरे को मार रही है। देखो देखो, रमेश मैं मेरे को मार रही, तुम बोल नहीं रहे हो। कैसे आदमी हो कि माँ को मार रहे हैं? हाँ, क्या हो रही है? माँ को मार रही है। कौन? मिसबा। मिसबा माँ किसको मार रही है? मेरे को। मेरे को हंस कर रहे हो? मेरे को जिसका मजाक कर रही है, मारती है तो मेरे से उज्जत कर रहे हैं। मतलब तुम अम्मी को चिल्ला रही है या क्या कर रही है? नहीं, मैंने ऐसे लगा कर दे दी। ऐसे लगा कर दे दी किसको? अम्मी को। मेरे को। तो दोनों माँ बेटी मिलकर मुझ पर उज्जत कर रहे थे। क्या बोली? क्या बोली? ये लोग बोल रहे थे तुम पुलाव लेकर ही जाओ। मैं बोली नहीं, मैं खा कर जाऊंगी। तो अभी आपने और इनका ने क्या बोले थे? हम टिफिन लेके जाएंगे। अरे तो क्या हो गया, अगर मैं खा ली तो तुमको दो प्लेट एक्स्ट्रा धोनी पड़ेगी क्या? नहीं, मेरी तो काम वाली धोएगी। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें इनका बोले सलाद भी काट, उसमें ये भी कर, वो भी कर। नहीं, नहीं, वो अरे सब... तो क्या हो गया? अरे तो मैंने क्या, वो सब बात सही है, वो सब बात सही है, पर क्या ये मार दी क्या, मतलब नहीं समझ रहा हूँ मैं। तू हाथ उठा दी अम्मी के ऊपर? हाँ, ये आपके ऊपर हाथ उठाई? मैंने खाली सर रख के दे दी, मैंने देखी अम्मी ये कौन है। पागल है क्या? तुम्हें तो मारोगे। आजी तुम्हारी औरत है कि माँ के ऊपर हाथ उठा दिया? तो अम्मी के ऊपर हाथ उठाई? ननन भौजाई का था ना कि ननन भौजाई बना तो अम्मी क्यों उसकी सोनम का सपोर्ट कर रहे? मेरा क्यों नहीं? अबे तुम अम्मी को मारेगी क्या? हाथ उठाएगी तू? तो मैंने खाली ऐसा रख के दी ना। कैसा रख के? ऐसा जैसा हवा करते है ऐसा। बताओ करके। बताओ क्या? बताओ करके। ऐसा जैसा अम्मी को दी रख के। बताओ क्या बोल रही है? क्या हुआ? अरे ये ननन भौजाई का क्या कुछ रहा, तो मैं कुछ बोली तो मेरे को ऐसा कर दी? क्या
अब इनसे पूछो। मैं तो पागल हो गए, तू क्या कर रही है? तो मैं दे दी ना, एक रख के क्या हो गया? अरे एक रख के दे दी, तू क्या बात कर रही है? तेरे को समझ में आ रहा है? एक रख के दे दी, एक रख के दे दी। अम्मी ऐसा आ रहे थे मैंने सब। अरे तो तुम मम्मी आ रहे थे तो तू ऐसा हाथ उठा देगी? आ नहीं रहे थे, अम्मी तो बैठे ही थे तो मैं रख के दे दी। आप नहीं मारे? आप नहीं मारे इसको? आप नहीं मारे इसको? मैं क्यों मारूं? मैं कैसे मारूं? फिर तो एक बदला हो जाएगा कि मैं मारी तो मेरे को भी मार दिए ना। और उसमें रिंकू अभी आते हैं, क्या हो गया अगर मैं ऐसा, क्या हो गया अगर मैंने ऐसा? इसके लिए मैं तुमको बोल रही हूं। हाथ क्यों अभी तुम्हारे सामने यहाँ की, तभी वहाँ की थी तो क्या हो गया? मैं गला भी दबा सकती हूँ, बताओ क्या? क्यों गला? एक पागल हो गई क्या? पागल हो गई है तू? मेरे गला दबाएंगे? पागल हो रही है? मेरा क्यों हाथ खींच रही है? पागल है? अम्मी को गला दबा रही है? मैं दबाना? अरे मेरे को मारोगे तुम? मेरे को मारूं? मैंने आज तक मेरे को कभी तुम हाथ नहीं उठाए, आज मारोगे? अब अम्मी के लिए? अम्मी के लिए? अम्मी को नहीं हाथ उठा, अम्मी को पर हाथ उठा रही है? मारोगी उसके सामने तो हाथ नहीं उठाएगा तुमको। आप मार दो ना, बदला ले लो आप। अरे बदला ले लो क्या मतलब? क्यों मार दे तू अम्मी को? पर हाथ उठा, अम्मी को फोन करके बोलूं? अरे अरे मेरा हाथ नहीं पकड़, मैं बहुत मारूंगा। मैं बहुत हम जाते हैं, चल चलो। अम्मी रुको, मैं गला दबा कर ही छोड़ूंगा। हम चले जाते हैं। दिमाग मत खराब करो। अरे तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो फालतू में? अरे ननन भौजाई की बातें हो रही थी खाने पीने में। पागल हो गई है? मैं नहीं खाना। ऐसे मारी है बहुत मारूंगा मैं। मारी हूँ जैसा तुमको की वैसे अम्मी को की थी, तभी भी रख के दे दी थी। तो तू कैसा मार कैसा दी? अरे मैं बोल तो रही हूँ, अब तुमको क्या डेमो भी करके दिखा रही, तो तुम करने भी नहीं दे रहे हो। अबे तो डेमो, तू डेमो करके दिखाएगी क्या अम्मी पे? डेमो करके दिखाएगी तो आप मारे नहीं अम्मी? अरे मैं मार देती तो बदला हो जाता ना बेटा। हाँ तुम्हारी माँ तो चल, आप अम्मी बोल रहे सोनम के लिए बोल रहे थे तो ना। चल अम्मी, अम्मी के पास क्या? अम्मी का हाथ मत लगा अभी तू, अभी अम्मी को हाथ मत लगा। चल क्यों नहीं अम्मी? पैसे क्यों लड़ते हो? अच्छा तुम लोग अम्मी को मत, तुम लोग बाद में पंचायत करना, ये दुनिया का जवाल मत करो। जवाल नहीं करो, ये हाथ कैसे उठा दी मगर? मैं रख के दे दी। मैं इसके घर पे जाता हूँ, इतने प्यार से रहता हूँ, सबसे इज्जत करता हूँ। प्यार से नहीं रहती हमेशा। तो हाथ कैसे उठाई? अपनी अम्मी से भी पूछो ना क्या अम्मी ने किया है। हम लोग की हाथ उठाई, बात हम लोग की चल रही थी ना तो आप, लेकिन तुम पूछ लो ना अम्मी से कि अम्मी आपने कुछ किए जो उसने हाथ उठाई? क्या किया अम्मी? आप क्या किए? हमने कुछ नहीं किए, लोग आपस में बतिया रहे थे तो मैंने सोनम को बोली। नहीं आप, अरे आप कुछ भी बात कर रहे थे, आप कुछ भी बात कर रहे हो एक्स वाई जेड। तू हाथ नहीं उठा सकती है, हाथ क्यों उठाई? अरे हमें से मैं भी इंसान हूँ। अरे तो इंसान है, तेरे को समझ में आ रहा है? मम्मी है वो, पागल हो गई है, बुद्धि धस हो गई है, अपनी बुद्धि देखो। अच्छा नंगाई मत करो, अच्छे से रहो, समझे ना? पूरा सही बोलते इंसान है ना, घुटने में तुम लोग का दिमाग मोटा हो जा रही है, दिमाग बढ़ रहा ही नहीं है। सब मिलकर मेरे पे चढ़ रहे हो। कौन चढ़े? तू हाथ उठाई, तेरी अम्मी को पता चलेगा ना? पता बताऊं? बताओ क्या बताऊं? यही बोलूं, बेइज्जत तू, तेरी इज्जत जाएगी, उसके साथ साथ मेरी इज्जत भी जाएगी। चिल्लाओ मत, जाओ बदतमीज औरत। क्या करेगी? रख के देगी मेरे को? रख के दे दूंगी। एक मिनट रुक, जो भी आएगा सबको रख के दे दूंगी, पहले ही बोल रही हूँ। चल निकल तू यहाँ से, यहाँ से निकल। चल रख के दे दूंगी। चल निकल अभी, देखो मैं रख के दे दूंगा अभी। समझी? चल निकल, चल रख के देगी तू। कहाँ से सीख के आई है? किसका सीखी है तू? रख के दे दूंगी। मिसबा तेरे को समझ में आ रहा है? मिसबा तू क्या कर रही है? तुम दूर रहो, तू दूर रह। चल अम्मी से, तेरे को समझ में आ रहा है? हंस रही है? तू चलो अम्मी से, मैं रखकर दी क्या तुमको? मेरे पे भरोसा नहीं? मैं रख के नहीं दे सकती, रख के नहीं दे सकती। मेरे पे चिल्ला रहे हो इतना, तो अम्मी पे मैं, अम्मी को मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं? पूछो अम्मी को, पूछो। तू रख के क्या? रख के दे दी, रख के दे दी। तू लैंग्वेज क्या है? किसको क्यों तू हाथ उठा देगी? मैं प्रैंक कर रही हूँ तुम्हारे साथ अम्मी, मैं और सोनम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पूरे मुंह पर पसीना हो गया। पूछो अम्मी से, मैं रख के दूंगी, तुमको लगता है मैं दे सकती हूँ रख के? हाँ तू दे सकती है रख के। अल्लाह, यही तुम मेरे बारे में सोचते हो, अब तुम घर चलो। देखा बोला ना अम्मी, मैं आपको दे सकती हूँ रख के। नहीं, हिम्मत कहाँ है?
आप क्यों मेरे को बोले फिर आप क्यों बना रहे हम तीनों जन मिलके तुम्हारे को प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे हम क्या? देखना चाहते थे कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा क्या और जो रिएक्शन आ रहा तो मम्मी के नजर में तो एकदम राजा बेटा बने हो के नजर अब तुमको घर पे बताऊंगी मैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि अपनी अम्मी के लिए कैसे मम्मा मेरा कलेजा छीनने तैयार थे। अब तुमको सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अम्मी क्या बोलते हो बदला लू नहीं लू मतलब है ना बहुत दिन से हम लोग का झगड़ा नहीं हो रहा था ना तो मैं सोची झगड़ा कैसे बढ़ाऊ तो मैंने सोची ये प्रैंक कर लेती हूँ। पहले से भरोसा तू ऐसा नहीं करेगी चुप बैठो जैसा तुम हरकत करे तो उससे लगता नहीं रहता इनको भरोसा था। हाँ। मम्मी बोले और सोनम भी उधर खड़ी थी मैंने बोला यार सच में तो ना हाथ उठा दी पापा बस यही टेंशन में थे कि हमारे घर की आवाज बाहर ना जाए। हाँ। पापा बहुत वही टेंशन में थे। स्लो बोलो तो हाथ उठा दी थी स्लो क्या बोलो और सच में हाथ उठा देती तो सच में उठाती क्या मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाए पागल है क्या पापा बोल रहे पागल है क्या पापा पहले बोल रहे थे आवाज कम करो। अम्मी 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 ये सब कहाँ से सीख रहे हो प्रैंक व्रैंक उसके साथ रहो मत समझे ऐसा प्रैंक रैंक मत करो मेरे साथ चुप रहो। हाँ तो गाइस आप लोगों को बहुत मजा आई होगी अम्मी। हाँ सही बात है अम्मी आपको मजा आई मैं तेरे को इसको ही देने वाला था। अब मैं तेरे को नहीं मार सकता अम्मी को नहीं चिल्ला सकता वो भी बड़े हो गए उनको भी नहीं मार सकता मतलब मैं इसको मारने ही आना था मतलब मैं इसको ना एकदम दबाने आया था कि तेरे वजह से हुआ रहेगा कुछ समझी नहीं पाया यार मम्मी से। मम्मी बोले कि चिल्ला के बोल रहे मार दिया वाले तो मैं एकदम यकीन हो गया मेरे को सही बात ऐसा प्रैंक मत करा करो गाइस अच्छी बात नहीं है। तो गाइस अम्मी को मुझे सोनम को सबको बहुत मजा आई और मजे के बाद घर में होगी मम्मा के लिए सजा क्या सजा और बस वो तुम वहाँ देख लेना। और इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग करती हूँ यहाँ पर एंड तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज हिट द बेल आइकन गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।